Welcome to my channel Educational Buddha. And here we will discuss chapter number fourth, sorry, chapter number ninth of class 4th, math, and chapter name is House and Quarters of NCRT textbook. And this video is useful for all CBSC board school like Kendri Vidyalayas. And this is the part second of this chapter, and here we will discuss the page number.

इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है तो हर एक पार्ट्स रेक्टेंगल का हाफ हो गया एंड वी राइट इट एजन अपन टू इट मींस वन पार्ट आउट ऑफ टू एंड यू कैन चेक इफ दीज पार्ट्स आर इक्वल और नॉट ट्राई कीपिंग वन ऑन टॉप ऑफ द अदर बच्चा बोल रहा है कि अगर हाफ को अगर लिखना है नंबर्स में तो हम ऐसे लिख सकते हैं वन अपॉन टू एंड वन अपॉन टू दैट मीन वन पार्ट आउट ऑफ टू एंड यू कैन चेक आप चेक कर सकते हैं इफ दिस पार्ट आर इक्वल और नॉट ट्राई कीपिंग वन ऑन टॉप ऑफ द अदर एक दूसरे पार्ट को पहले वाले के ऊपर रखकर देख सकते हैं अगर दोनों सेम साइज के हो गए तो दोनों मैच हो जाएंगे अगर दोनों मैच हो गए हैं दैट मींस वी हैव कट दिस रेक्टेंगल इनटू टू इक्वल पार्ट्स और अगर कट नहीं हुए हैं तो इसका मतलब यह है कि हमने इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं किया है नाउ क्वेश्चन

थर्ड वन लाइक दिस फोर्थ वे एंड दिस इज लास्ट वे तो हमने पांच अलग अलग तरीकों से रेक्टेंगल को डिवाइड किया है इक्वल हाफ में नेक्स्ट मेनी वेज टू मेक क्वार्टर एंड दिस चाइल्ड से इज आई मेक फोर पार्ट लाइक दिस एंड ईच पार्ट इज क्वार्टर एंड आई कैन राइट इट एज वन फोर्थ वन अपॉन फोर इट मींस वन पार्ट आउट ऑफ फोर एंड दिस रेक्टेंगल आप ये देख सकते हैं दिस रेक्टेंगल हैज कट इन टू फोर इक्वल पार्ट बाई दिस चाइल्ड ये बच्चे द्वारा इसको काटा गया है फोर इक्वल पार्ट में एंड वन पार्ट रिटर्न लाइक दिस 1 upon फोर वन upon 4 वन upon फोर एंड 1 upon फोर वन upon फोर दैट means क्वार्टर एंड 1 upon फोर का मतलब क्या होता है दैट means 4 इक्वल पार्ट्स बनाए हैं कोई भी चीज के और उसमें से हमें ओनली one parts को शो करना है दैट means one पार्ट आउट ऑफ four पार्ट्स इस रेक्टेंगल के फोर पार्ट्स बनाए हैं उसमें से हमने वन पार्ट्स को शो किया है दैट मींस वन अपॉन फोर वन पार्ट आउट ऑफ फोर नाउ क्वेश्चन फॉर यू इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन यू कट अरेक्टेंगल इंटू फोर इक्वल पार्ट वी हैव टू कट अरेक्टेंगल हमें रेक्टेंगल को कट करना है इंटू फोर इक्वल पार्ट ड्रॉ फोर ड्रॉ फाइव डिफरेंट वेस हमें पांच अलग अलग तरीके से यहां पे कट करना है बट हियर वील कट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड एट डिफरेंट वेज हम आठ अलग, अलग अलग तरीकों से कट करके देखेंगे कि हम आठ अलग, अलग अलग तरीकों से रेक्टेंगल को फोर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं एंड फर्स्ट वे लाइक दिस ऐसे भी आप डिवाइड कर सकते हैं सेकेंड वे थर्ड this this is is fourth way, this one is fifth way, one one. fifth sixth, seventh and eighth कोई भी पैटर्न रिपीट नहीं हुआ है आप देख सकते हैं और हमने आठ अलग अलग तरीके से हर एक रेक्टेंगल को फोर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है आपको इसमें से कोई भी पांच जो वेज हैं, उसको आपको आपके टेक्स्ट बुक में बनाना है और कॉपी में जब बनाओ तो आठ के आठ सारे बनाना है नेक्स्ट पेज नंबर नाइनटी एट कटिंग द केक फादर ब्रॉट केक सी डिवाइडेड द केक इंटू फा इक्वल फोर इक्वल पार्ट फॉर हर सेल्फ हर ब्रदर राजू ह फादर एंड मदर रजनीस फादर एक केक लेके आए हैं एंड रजनी डिवाइडेड द केक इंटू फोर इक्वल पार्ट चार इक्वल पार्ट्स में उसको डिवाइड किया है उसके लिए उसके भाई राजू के लिए उसके फादर के लिए एंड फॉर हर मदर यू कैन सी हियर दिस दिस इज इज केक केक रजनी फादर मदर एंड एंड राजू कलर इच शेयर विथ डिफरेंट कलर्स और एक शेयर को अलग अलग कलर्स में कलर करना है लाइक दिस वी हैव कलर्ड एंड हाउ मच डज Each ट of whole cake, पूरे केक का कितना पोर्शन हर एक को मिल रहा है हाउ मच डेट हर एक को चार पार्ट है उसमें से एक पार्ट से मिल रहा है अगर इसको हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो जितना पार्ट हमें शो करना है उसको ऊपर लिखेंगे दैट मीन्स न्यूमेरेटर एंड जो टोटल पार्ट हमने बनाए हैं केक के उसको हम नीचे लिखेंगे दैट मीन्स डिनोमिनेटर दैट मीन्स वन अपॉन फोर तो हर एक को वन फोर्थ पार्ट मिल रहा है नाउ पेज नंबर नाइंटी एट अगेन मदर गेव हर शेयर ऑफ केक टू रजनी नाउ कलर द टोटल पार्ट दैट रजनी विल गेट रजनी इज हैविंग ऑलरेडी वन फोर्थ ऑफ द केक रजनी के पास ऑलरेडी वन फोर्थ है एंड हर मदर गिव हर शेयर टू रजनी उसकी मम्मी ने अपना खुद का शेयर भी रजनी को दे दिया दैट मीन्स रजनी इज हैविंग वन फोर्थ प्लस वन फोर्थ दो पार्ट्स हो गए उसके पास ये भी वाला भी पार्ट्स हो गया और ये वाला भी पार्ट रजनी के पास आ गया

Half total parts 4 and out of 4, Rajni is having 2 parts. That means 2 upon 4 or half. Before Rajni's mother gave her share to Rajni, she had only half of half the cake. Understand this language. Before Rajni's mother gave her share to Rajni, Rajni ko. उसकी मम्मी ने अपना शेयर नहीं दिया था उससे पहले सी हैड ओनली हाफ ऑफ हाफ द केक उसके पास हाफ था उसके पास वन फोर्थ था ना दैट मींस हाफ का भी हाफ था सो सी हैड ओनली हाफ ऑफ हाफ द केक आधे केक का भी आधा था उसके पास उसकी मम्मी ने नहीं दिया था उससे पहले च वॉज वन फोर्थ ऑफ द टोटल केक हाफ ऑफ हाफ दैट मीन्स वन फोर्थ क्वार्टर पार्ट नेक्स्ट कलर द शेयर राजू गॉट यस राजू को कितना मिला था राजू इज हैविंग ओनली वन पार्ट ऑफ दिस केक दैट मीन्स वन फोर्थ सो वी हैव कलर्ड राजू शेयर हाउ मच ऑफ द केक डू रजनी एंड राजू टूगेदर गेट कलर दर टोटल शेयर रजनी इज हैंग वन फोर्थ एंड हाउ मदर गेव हन शेयर और उसकी मम्मी ने भी अपना शेयर दिया है तो यहां रजनी का और उसकी मम्मी का शेयर हो गया एंड नाउ राजू का शेयर हो गया तो तीनों को हमने कलर कर दिया है नाव ऑल टूगेदर द गेट थ्री पार्ट आउट ऑफ फोर अब उनके पास दोनों के पास राजू एंड रजनी के पास थ्री पार्ट है आउट ऑफ फोर सो वी कैन राइट इट एज थ्री अपॉन फोर थ्री अपॉन फोर दैट मीन्स थ्री पार्ट आउट ऑफ फोर पार्ट चार में से तीन पार्ट दैट मीन्स थ्री अपॉन फोर नेक्स्ट पेज नंबर नाइनटी नाइन ग्रीडी कुडू Greedy that means Lalchiadmi. Kuddu is a greedy man. Whenever he goes to the market, he wants to, get, he wants to get more and more, but doesn't want to spend much money. One day he wants to eat pumpkin halwa, sweet dish. He tries to buy a big pumpkin with only rupees 10.

कट दिस पंकिन इन टू हाफ एंड अगेन हाफ दैट मीन फोर इक्वल पार्ट में हमने इसको कट किया है एंड इच शेयर इज फॉर रुपीज टेन फर्स्ट पंपकिन सेलर ने बोला वन फोर्थ आपको टेन रूपीज में मिलेगा सो क्वेश्चन इज दिस फुल पंपकिन विल कॉस्ट रूपीज हाउ मच वन फोर्थ

कुद्दू कु दस रुपए में तो आधा देना पड़ेगा सो फर्स्ट पंपकिन सेलर देन यू गो द नेक्स्ट सेलर ही कैन गिव यू हाफ ऑफ सच बिग पंपकिन फॉर रुपीज टेन आगे वाला जो पंपकिन सेलर है वो दस रुपए में देगा आपको हाफ हाफ कम हाफ पंपकिन फॉर रूपीज टेन I keep only good quality of pumpkins. Kudu walks to the next seller and looks for a pumpkin of the same size. Kudu says, "How much of this pumpkin will I get for rupees ten?" अब कुदू कह रहा है कि दस रुपए में मुझे आपके पास जो पम्पकिन है मिलेगा सेकेंड पंपकिन सेलर से इज हाफ उसने बोला दस रुपए में आपको हाफ मिलेगा यू कैन सी हियर हाफ ही रुपीज टेन सो क्वेश्चन इज दिस फुल पंपकिन विल कॉस्ट रूपीज हाउ मच हाफ पंपकिन कॉस्ट रूपीज टेन सो वॉट इज द कॉस्ट ऑफ फुल पंपकिन हाफ टेन एंड अगेन हाफ टेन टेन प्लस टेन 2 times 10, 20 rupees. Now page number 100. Kuddu says, Ah, why not give me 3 fourth? Okay. What is the meaning of 3 fourth? See here. We have cut this pumpkin into 4 equal parts like this and each share is 1 fourth of whole pumpkin. And here you can see, Three parts out of four. That means this portion of pumpkin. One, two, and three parts out of four parts. Again, see. One, two, and three parts. This is called three fourths of whole pumpkin. And this is one fourth. सेकेंड पंपकिन सेलर से रन अवे गो गेट योर पंपकिन फ्रॉम दैट मैन ही सेल्स सच बैड वेजिटेबल्स दैट हीन ऑफ दिस साइज फॉर रूपीज टेन बोले आगे जाओ वो बैड वेजिटेबल्स मतलब बिगड़ी हुई सब्जियां बेचता है वो आपको दस रुपए में दे देगा सो द ग्रीडी कुक्स्ट पंपकिन सेलर

So, Kuddu is very happy. He climbs the roof of that house and then. Dishum. Niche gir gaya. Okay, next. Using a price list. This is price list. Question number one. How much does half kg of tomatoes cost? We know that here half kg 1 upon 2 kg that means half kg and one kg tomato cost rupees eight so half kg tomatoes cost equals half of rupees eight so what is the half of rupees eight half of rupees eight equals rupees four so our answer is half kg tomatoes cost equal rupees 4. Question number B. Which costs more? Half kg of onions or half kg of carrots? Here we will find first the cost of half kg of onions. So 1 kg of onion cost is rupees 10. So half kg of onion cost equals half of rupees 10. And half of rupees 10 equals rupees 5. That means half kg onion cost is rupees five. Now we will find the cost of one fourth kg of carrot, and one kg carrot cost rupees sixteen. So one fourth kg carrots cost equals one fourth of rupees sixteen. So what is the one fourth of sixteen? One fourth that means one part out of four. That means we have to divide sixteen rupees into four equal parts. हमें चार पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा 16 को तो अगर चार पार्ट्स में डिवाइड करेंगे that means 16 divided by 4. So four, 16 एक में four आएगा ओनली वन पार्ट आउट ऑफ फोर तो वन पार्ट में कितना है फोर रुपीज तो वन फोर्थ ऑफ सिक्सटीन दैट मीन्स रुपीज फोर सो विच कॉस्ट मोर हाफ के जी ऑनियंस या क्वार्टर के जी कैरेट्स ऑफकोर्स फाइव रुपीज इज

थ्री फोर्थ के जी पोटेटो कॉस्ट इक्वल्स थ्री फोर्थ मल्टीप्लाई बाय ट्वेल्व ध्यान दे यहां पे वन के जी की कॉस्ट है ट्वेल्व रूपीज अगर हमें टू के जी की पता करना होता तो टू मल्टीप्लाई बाई ट्वेल्व करते 3 थ्री के जी का पता करना होता तो थ्री मल्टीप्लाई बाई ट्वेल्व करते हैं यहां पे हमें पता करना है थ्री फोर्थ का तो थ्री फोर्थ मल्टीप्लाई बाय ट्वेल्व करेंगे अब इसका मल्टीप्लीकेशन कैसे होगा देखिए इक्वल्स जो ऊपर वाले नंबर है उसको ऊपर मल्टीप्लाई करें, नीचे वाले नंबर है उनको नीचे मल्टीप्लाई करें। यहाँ पे ऊपर हमारे पास थ्री एंड ट्वेल्व हैल्टीप्लाई बाई ट्री मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई ट्वेल्व ट्वेल्व थ्री सार्टी सिक्स डिवाइडेड बाय फोर सो वॉट इज द आंसर ऑफ थर्टी सिक्स डिवाइडेड बाई ट्वेल्व थर्टी सिक्स डिवाइडेड बाई फोर सो फोर वन सार फोर फोर टू सार एट फोर का टेबल बोले जब तक थर्टी सिक्स आता है तो फोर के टेबल में फोर नाइन सार थर्टी सिक्स सो आर आंसर इज रुपीज नाइन तो थ्री फोर्थ के जी ऑफ पटेटोस कॉस्ट इज रुपीज नाइन क्वेश्चन नंबर डी कीर्ति Kirti is going for shopping. She has only rupees twenty with her. Can she buy all the things in her shopping list? You can see here. This is Kirti, and Kirti is having only rupees twenty, and this is her shopping list: potato half kg, pumpkin two kg, carrot one fourth kg. Okay. So Kirti has rupees twenty. शॉपिंग लिस्ट इंक्लूड हाफ के जी पोटेटोज टू के जी पंपकीोर्थ के जी ऑफ कैरेट ओके पटेटो कॉस्ट रूपीस ट्वेल्व फॉर वन के जी पंपकीन कॉस्ट रूपीस फोर फॉर वन के जी एंड कैरेट रूपीस सिक्सटीन फोर वन के जी सो कॉस्ट ऑफ हाफ के जी पटेटोज इक्वल्स रूपीज ट्वेल्व डिवाइडेड बाई टू इक्वल्स रुपीज सिक्स एंड कॉस्ट ऑफ टू के जी पंकीन इक्वल रूपीज टू मल्टीप्लाई बाई टू इक्वल्स रुपीज एट एंड कॉस्ट ऑफ वन फोर्थ के जी कैरेट इक्वल्स रुपीज सिक्सटीन डिवाइडेड बाई फोर इक्वल्स रुपीज फोर यहां पर टू से क्यों डिवाइड किया है? क्योंकि हमें उसका हाफ करना था तो ट्वेल्व रूपीज 1 kg की कॉस्ट है उसका हाफ करना है दैट मींस 2 से डिवाइड करो वी गॉट ₹6 2 kg का पता करना है 1 kg का ₹4 है तो 2 kg का 2 से मल्टीप्लाई करो 4 2 ₹8 और यहाँ पे हमें 1 फोर्थ पता करना है दैट मींस चार हिस्से करो उसमें से एक हिस्से का पता करना है तो 16 को 4 से डिवाइड करेंगे हाफ पता करना था 2 से डिवाइड करो वन थ का पता करना है तो फोर से डिवाइड करो तो सिक्सटीन डिवाइडेड बाई फोर सो फोर फोर्स आंसर इज फोर नाउ टोटल कॉस्ट ऑफ ऑल वेजिटेबल्स इक्वल इक्वल सिक्स प्लस रुपीज एट प्लस रुपीज फोर इक्वल्स रुपीज एटीन एंड कीर्ति हैज रूपीज ट्वेंटी सो कीर्ति कैन परचेज ऑल द वेजिटेबल्स इन हर शॉपिंग लिस्ट ट्वेंटी उसके पास ट्वेंटी रुपीज है और टोटल कॉस्ट है वो एटीन हो रहा है तो वो सारे के सारे शॉपिंग लिस्ट में जितनी भी थिंग्स है वेजिटेबल्स है वो सारे के सारे परचेज कर सकती है क्वेश्चन नंबर ई मेक टू क्वेश्चन योर सेल फ्रॉम द प्राइस लिस्ट यहां पर जो प्राइस लिस्ट दी गई है उसमें से आप कोई भी दो क्वेश्चन बनाए अब जो भी बनाना चाहे बना सकता है मैंने यहां पे तीन क्वेश्चन बना लिए हैं तो देखते हैं कौन से तीन क्वेश्चन बनाए हैं फर्स्ट हाउ मच पंपकिन कैन कीर्ति बाय विथ द टोटल मनी एंड व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ टू के जी ऑनियंस एंड थर्ड क्वेश्चन इज हाउ मच ड्री फोर्थ के जी ऑफ कैरेट कॉस्ट तो ये हमने तीन क्वेश्चन बनाए थे आप चाहे तो और भी क्वेश्चन बना सकते हैं ओके दिस इज द एंड ऑफ पार्ट सेकेंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक शेयर एंड डो नॉट फॉरगोट टू सब्सक्राइब माई चैनल अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब करें वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग